समाज सेवक मोजेस चिनप्पा के घर गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणपति बप्पा विराजे हैं। इस अवसर पर मोजेस चिनप्पा के घर गुरुवार को सत्यनारायण पूजा रखी गई, जिसके बाद रात को भोजन का आयोजन। इस दौरान गायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने भक्ति गाने गाए। इस मौके पर मीरा भयंदर के सभी जानी मानी हस्तियों ने पहुँच कर गणपति बप्पा के दर्शन किए और मोजेस चिनप्पा जिस तरह कार्य कर रहे हैं, समाज के हित में जरूरतमंदों के साथ खड़े रहते हैं, वो ऐसे ही निरंतर करते रहे, ऐसी कामना कि भगवान गणेश से। पूरे परिवार के साथ मुझे चिन्नप्पा ने आए हुए सभी अतिथियों का फूलगुच्छ साल देकर स्वागत किया। यह एक ऐसा घर है जहां एक पार्टी नहीं बल्कि हर पार्टी के लोग नजर आते हैं एक मंच पर, क्योंकि ये घर है समाज सेवक मोजेस चिन्नप्पा का। मोजेस का मानना है कि जरूरतमंदों के लिए हर एक इंसान से उनको प्यार और अपनापन है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी का MLA हो या नगर सेवक, सबके प्रिय मोजेस चिन्नप्पा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मोजेस चिन्नप्पा और साथ उपस्थित लोगों का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। सोल्यूशन के लिए करते हैं, न कि दिखाने के लिए। बहुत सारे विषय पे वो काम करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, इंसानियत के लिए करते हैं, और जानवर के लिए भी बहुत सारा उन्होंने जो है अपना योगदान दिया है। डॉग के बारे में उनका बहुत सारा जो है ऑब्जर्वेशन, उनको ट्रीटमेंट के बारे में। तो जिस भी विषय पर वो काम करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों का मैं ध्यान देता हूँ। अभी देखिए ये छोटा सा बुके है, लेकिन उनका एक क्रिएशन है, क्रिएटिव का वो कलेक्ट करते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं उनको देख के मैं कहीं कहीं प्रोत्साहित होता हूँ, और मैं भगवान से विनती करूँगा कि ऐसे लोगों को इतनी शक्ति दे कि हमारे मीरा भयंदर सर और भी वो खूबसूरती बढ़ा सके जो है, और ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव पूरे मुंबई के सामाजिक कामों में इनका योगदान हो, ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो खुशियाँ हैं जिसे मिलकर लोग बना रहे हैं, इससे पता चलता है लोगों में कितनी तड़प थी कि लोग एक दूसरे से मिले, और इसका बप्पा के दर्शन, मतलब बप्पा भी कई लोग लेके आए हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा घरों में भी बप्पा आए हैं, सार्वजनिक भी आए हैं, तो ये उत्साह हमेशा बना रहे, इसी तरह से लोग मतलब ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले।